नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट एंड एसयू यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के अपडेट के बारे में। आप लोगों को बता दें कि पहले आप लोगों को बताया था कि जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट्स जो है वो निकल कर आपके सामने आएगी। हमने सुबह ही जम्मू यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करा था और कल भी मैंने कॉल वगैरह करके जम्मू यूनिवर्सिटी से रिजल्ट्स की रिक्वेस्ट की थी और लगातार अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, जिसमें आप लोगों को तमाम जानकारी, डेटशीट, सर्कुलर नोटिस, एडमिशन अपडेट के साथ साथ तमाम जानकारी टाइमली प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेके स्टूडेंट पॉइंट देसीवाई 08 के नाम से आप लोग जरूर फॉलो करें। वहां पे मैंने स्टोरी लगा के बच्चों को पीडीएफ तक प्रोवाइड करवा रहा हूं। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि नोटिफिकेशन के आधार पर बड़ा रिजल्ट निकला है और ये रिजल्ट जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर का आया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं नॉन सीबीएसई का रिजल्ट 7:30 बजे, फिलहाल अभी 5-6 बजे रिजल्ट आउट हुआ है। तो इसमें काफ़ी बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। अब जो फेल बच्चे हैं अब वो बोलते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होगा, तो ये देख सकते हैं रिजल्ट का पूरा पीडीएफ हमारे पास ओपन हो गया है और इस ये रिजल्ट 11 तारीख को ही रिजल्ट आउट हुआ है, 11 जनवरी को ये वेबसाइट पर आ गया है और तमाम बच्चों के नाम जारी हो गए हैं। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया और फेल कितने हुए, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे फेल हो गए हैं। जो फेल हो गए हैं उनको कितनी फीस लगेगी, फॉर्म कब फिल करना है, क्या क्या सिस्टम है वो आपको बता देंगे। फिलहाल फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद बच्चों के फॉर्म जो है वो फिल करके आपको दे दूंगा। थोड़ी सी फीस वगैरह लगेगी। बाकी बात करें हम रिजल्ट्स की, तो आप लोगों का कितना परसेंट रिजल्ट आया, अभी रेगुलर वालों का रिजल्ट नहीं आउट हुआ, ये नॉन सीबीसीएस का रिजल्ट है दोस्तों, नॉन सीबीसीएस का, सीबीसीएस का रिजल्ट नहीं है, ये नॉन सीबीसीएस डीडी डिस्टेंस वाले बच्चों का है। रेगुलर वालों का रिजल्ट कल या परसों अपडेट होगा, तो फोर्थ सेम का रिजल्ट भी कल या परसों अपडेट हो जाएगा सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस का। इस समय बड़ी अपडेट्स के मुताबिक आपको बताएं तो 1700 यानी कि 1800 बच्चों ने पेपर दिया था, 1800 में से दोस्तों आर्ट्स वाले जो बीकॉम वाले कौन से हैं, ये आर्ट्स वाले, हाँ आर्ट्स वाले जो हैं 1800 बच्चों ने पेपर दिया था, 1800 में से 248 बचे पास हुए, मतलब कि 14% रिजल्ट आया। बहुत माड़ी हालत है दोस्तों, काफ़ी बच्चे रिपेयर हुए हैं, निराश भी हुए हैं, तो आप लोग कोई बात नहीं, अगर दोबारा ट्राई करना, एक बार फेल हो गए कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद फेल हुआ था, तो ट्राई कर करके ही आप लोग कामयाब होंगे, सैड नहीं होना है। 1289 बच्चे कमर्स वाले थे, उसमें से 145 पास हुए हैं, 11% रिजल्ट आया, तो बी कॉम वाले 336 थे, 18% आया है, बहुत माड़ी हालत। तो बाकी देख सकते हैं फेल रिपेयर वाला मसला क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से, ये देख सकते हैं यहाँ पर रिपेयर पास, एक आधा कोई पास, रिपेयर लेटर आने वाले भी टेंशन ना ले, उनका भी रिजल्ट दोबारा निकलेगा एक बार, तो रिपेयर एक एक ही सब्जेक्ट उड़ा है, ज़्यादा नहीं, एक एक आधा आधा सब्जेक्ट उड़ा है। ये यूनिवर्सिटी पैसा कमाने के चक्कर में भी रहती है थोड़ा बहुत, फिलहाल स्टिकनेस भी होती है भाई, सेकेंड सेम का रिजल्ट है, पीछे ऑनलाइन एग्जाम से पास हो गए काफ़ी बच्चे, तो अब दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आप लोग जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं रिपेयर का कितना बड़ा तादाद यहाँ पर लगा हुआ है, तो फेल का मतलब है कि सारे फेल, रिपेयर का मतलब है एक आधा सब्जेक्ट, एजुकेशन ज़्यादा फेल हुई है बच्चों की, तो आपने अपना रिजल्ट चेक करना है, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है ना। अभी जैसे सेकंड सेम का रिजल्ट आता आपको बता देंगे, फोर्थ का आता जैसे बता देंगे, लेट भी कर सकती है कोई पता नहीं, 10 दिन लगा दे यूनिवर्सिटी, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करें और अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करें, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। आप लोग टेंशन मत ले, रेगुलर का रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। ये डिस्टेंस वाले बच्चे हैं जो घरों में ही पढ़ाई करते हैं, कोई क्लास से नहीं लगती है, ये अलग स्टूडेंट है, पुराने पैटर्न के स्टूडेंट, ठीक है ना।